हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज दिन है शुक्रवार, तारीख 26। यहीं से अपना चालू कर रही हूँ ब्लॉगिंग, और सब्जी उब्जी कट कर रही हूँ। सब्जी कट करने के बाद से सीधे फिर आपको मैं किचन में मिलती हूँ। ये देखिए मेरे फ्रिज की हालत, सारा सब्जी सूखा हुआ है, क्योंकि मैं किचन में गई नहीं हूँ आज महीने दिन से। आज कल 2 दिन थोड़ा सा आराम की, उसके बाद से आराम के चलते मेरा तबीयत खराब हुआ। इसलिए तबीयत खराब हुई कि उतना 27 तारीख से भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ यही सब चल रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि ज्यादा मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। तो पता ही है कितना गर्मी है, बहुत गर्मी है, अब उसमें भी निकलना पड़ता है। अभी भी हमारा पैकिंग नहीं हुआ है, आधा हुआ है, आधा मतलब आधा अधूरा हो गया है, कुछ बाकी है, कुछ और लेना है। अब जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक कुछ ना कुछ लेना ही है, वहां भी जाकर लेना ही पड़ेगा मुझे। अब सिर्फ आज जा रही हूँ तो देखूंगी सारा पेटीकोट मैं यहीं से ले लेती हूँ। हमारे फसल में बोड़ो बोला जाता है, तो बोड़ो का सब्जी है, इसमें बैंगन मिक्स करूंगी, आलू करूंगी, ये नेनुआ है, इसका अलग बनाऊंगी। हमारे फ्रिज में सब्जी कुछ भी नहीं है, उधर सिर्फ लौकी है, यहाँ भिंडी है, टमाटर है, बस इतना ही है। और जाकर लेकर आज मार्केट भी जाना है। इसमें तबीयत भी मेरा बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है, आज मुझे फुल इग्नोर कीजिएगा। इसमें भी आधी तूफान बारिश, मौसम भी बहुत खराब है यहाँ पे। चलिए मिलते हैं हम डायरेक्ट। इस देख लीजिए, देखिए 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 मस्ती। तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर। जा रही हूँ कहीं बाहर जा रही हूँ, एक शॉपिंग के लिए ही जा रही हूँ, क्योंकि वो शॉपिंग चालू ही है। तो आज जा रही हूँ, कुछ मेरा क्रीम सनस्क्रीम ये सब खत्म हुआ है, वो सब लेने के लिए। कानून का कुछ पहनी नहीं हूँ। मेरा 2 दिन से इतना तबीयत खराब, इतना तबीयत खराब कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब है। भाग दौड़ से इधर से उधर, उधर से उधर कर करके अभी भी करना ही है। अभी मैं 15 के बाद से मैं फ्री हो जाऊंगी, फुल फ्री 15 से हो जाऊंगी। 15 के बाद से मेरा डेली ब्लॉग आएगा। और थोड़ा सा अगर ब्लॉग भी आ रहा है तो थोड़ा लेट सेट आ रहा है, तो उसको मैनेज कीजिएगा आप लोग, इसलिए कि अब काम ही काम है, बहुत काम है। पता ही है जिसके घर में फंक्शन रहता है तो काम कितना रहता है, उसमें भी मेरा बेटा का जन्म है, तो आप सोच लीजिए कि कितना सारा काम रहता है। अभी मेरा किचन किचन बोल रहे हैं कि किचन में मिलूंगी, किचन में मिलती हूँ, पर नहीं मिल पाती हूँ आप लोग से किचन में। अभी मेरा किचन का फुल क्लीनिंग बाकी है, गाँव जाने से पहले करके ही जाऊँगी, क्योंकि ये रहेंगे, बच्चे रहेंगे, पता ही है कैसे लोग कर, अब क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता। तो फिर हम मिलते हैं सीधे मार्केट में। आज सबका पैकिंग हो गया, अब सिर्फ पेटीकोट, अब विदाई के लिए सब जो लेना है वो सब करके मैं आप लोग को एक एक से करके दिखाऊंगी, सब कंप्लीट है। तो चलिए मिलती हूँ सीधे मॉल में। चलिए तो गए हैं चेंजिंग रूम में, तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा बुझा रहा है चक्कर, तो दिखाती हूँ। अब यहाँ मेरा सुबह का टाइम है, तो यहाँ सबसे पहले मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे घर में, अपने घर में, खुद अपने घर में चल कर आए हैं मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लल्ला जी, मेरे गुल्लू जी। तो उनका उनका सेवा पहले, सबसे पहले पहले इधर का पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद से इनको उठा उठा कर फिर इनका सेवा करती हूँ, क्योंकि एक ये छोटे बच्चे जैसे है,
तो सबसे पहले इनको ही देखना होता है। अब और मेरा काम थोड़ा सा जिम्मेवारी बढ़ गया है, इसके लिए मैं कभी अभी आजकल तो मुझसे थोड़ा सा लेट भी हो जा रहा है पूजा उजा करने में, क्योंकि काम बहुत है। अब वहाँ से मैं आ गई हूँ, ये है मतलब जैसे मेरे नेक्स्ट दिन का है, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के, क्योंकि मैं उस पूजा के बाद मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो वही आ गई हूँ मैं, नेक्स्ट डे है, किचन में आ गई हूँ। अब यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी, लौकी है और आलू है। बिना लहसुन प्याज का तो बनाना रहता है, तो टमाटर वमाटर थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है। अब बिना प्याज का तो मतलब आदत हो ही जाता है, लेकिन स्वाद कुछ आता नहीं है, लेकिन तो भी बोलते हैं ना कि प्रसाद प्रसाद होता है, तो अभी देखिए कितने दिन तक चलता है। मैं घर जाऊंगी तो पंडित जी से पूछूंगी कि जैसे हम लोग बाहर हैं तो हम लोग खा सकते हैं या नहीं, जो लोग घर में हैं वो लोग नहीं खा सकते हैं, तो पूछेंगे। जब जैसे पंडित जी बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। ज़्यादा करके अभी इतना कुछ ही नहीं है, तो अभी यहाँ मैं वही सब मसाला वसाला सब डाल रही हूँ। अब पैकेट का मसाला इसलिए डाल रही हूँ कि उस मसाले अभी अब गांव से आने के बाद ही ये सब करूँगी, क्योंकि गांव जाने में मुझे ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। आ टाइम से मुझे बच्चे तो यहीं रहेंगे, ये यहीं रहेंगे, सिर्फ पूजा के दिन ही जाएंगे, तो भी ये नहीं देखते हैं, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा घर पे। इसमें भी इनका एक जन का काम भी है यहाँ पे, इनका सूट भी चालू है, तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मैं तीन चार मतलब दो टमाटर कट कर डाल दी, क्योंकि टमाटर मेरे पास नहीं था, दो ही था। यहाँ पे आटा रखा हुआ है गूंदने के लिए, तो वो सब फटाफट मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट निकालना है अमीनाबाद की तरफ, सॉरी आलमबाग की तरफ। अब यहाँ पे जो मेरा किचन भी पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है, मैं क्लीन नहीं कर पा रही हूँ। अब आने के बाद ही ये सब क्लीन करूँगी, किचन हो गया ये सब आने के बाद ही क्लीन करूँगी। भाग दौड़ पता ही है, जब आप लोग को भी लगता होगा जब आप लोग के घर में कोई फंक्शन होता है तो बहुत सारा काम। ये वीडियो मेरे फ्राइडे को मतलब वीडियो फ्राइडे का ही है, और मेरा वीडियो इसीलिए लेट सेट जा रहा है कि बहुत काम है, भाग दौड़। अगर मैं वो वीडियो में रिकॉर्ड कर पाती तो काश मैं आप लोग को दिखा पाती, क्योंकि यहाँ भागना मतलब एक दिन में चार चार जगह मार्केट जाना, भूतनाथ, अमीनाबाद, पत्रकारपुर, मतलब यहाँ वहाँ जहाँ जो सामान मतलब लोग बता रहे हैं कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, वहाँ भाग भाग कर जा रहे हैं। आप जिसके घर में बच्चे हैं उनको पता ही है कि बच्चों को जल्दी कुछ पसंद नहीं आता है, उसके वजह से। और मेरा ये हो रहा था, सारा कुछ पैकिंग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है तो हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि बाहर वाला अगर काम हो जाएगा तो ये तो रात भर उठ कर भी कर, अगर रात में नहीं सोएंगे रात भर उठ कर भी अपना पैकिंग कर सकते हैं, ये घर का ही काम है। तो चलिए मेरा पैकिंग हो गया कंप्लीट, मतलब थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है, मैं आप लोग से दिखाऊंगी। उसके बाद से कल आज मतलब ये पार्लर वूलर का हमने कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि टाइम ही नहीं था बिल्कुल, हम मोबाइल लेकर जा ही नहीं रही थी कि हम कुछ रिकॉर्ड कर पाए। थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग लेकर जा रहे थे, वही किए हैं, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए छोटा मोटा जो है वीडियो, ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा तो, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग मेरा अच्छा अच्छा आएगा। अब ये नहीं बता सकती हूँ कि गाँव से आने के बाद मैं अपलोड करूँगी कि वहीं से करूँगी, क्योंकि नेट का इशू रहता है वहाँ पर नेटवर्क की। तो चलिए देखती हूँ, बाय बाय।